नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया तो आपके साथ मैं हूं आसिफ सिद्दीकी। बिहार में नीतीश सरकार को अस्थिर करने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी जुटी है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं बल्कि एनडीए की ही सहयोगी पार्टी हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा का कहना है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा है कि जिस तरह से लगातार सरकार से ही सवाल खड़े कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उसको लेकर के अब बीजेपी की ये मंशा है कि सरकार को अस्थिर कर दिया जाए, और इसी कोशिश के तहत इस तरह की बातें कही जा रही है। आपको बता दें कि जिस तरह से अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने ट्वीट किया था और सरकार से सवाल किया था, दलितों पर हो रहे अत्याचार को लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश की थी और बोला था कि अल्पसंख्यकों से इतना प्रेम क्यों है नीतीश कुमार को, आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं होती है। उन्होंने पूर्णिया के 82 की घटना का भी जिक्र किया था। इसके बाद जो है जीतन राम मांझी की पार्टी हम जो है बचाव में उतर आई थी नीतीश कुमार के, और उसको लेकर के पूरा बखेड़ा खड़ा हो गया था। अब इसी बात को लेकर के दानिश रिजवान ने यह कहा है कि एनडीए में अब कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की जरूरत है, एक तरह से मांग की है, और इसके अलावा जो है सरकार को अस्थिर करने की कोशिश बीजेपी कर रही है, इतना बड़ा आरोप लगाई है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा। ये वही हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है जो एनडीए में गठबंधन में साथ साथ है सरकार के, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार के फेवर में, नीतीश कुमार के बचाव में बयान दे रही है। सुनिए दानिश रिजवान क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता लगातार अपनी बयानबाजी से सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये नेता सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर करके लगातार विपक्ष को सरकार के खिलाफ बोलने का मौका दे रहे हैं। इसलिए हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा एनडीए के शीर्ष नेतृत्व से मांग करती है कि बिहार सरकार के ऐसे बयानबाजी के खिलाफ अब बिहार में एनडीए कोऑर्डिनेशन कमेटी बनानी जरूरी है, नहीं तो स्थिति और भयावह हो जाएगी। आपको बता देते हैं कि ये तमाम बखेड़ा तब खड़ा हुआ जब किशनगंज, पूर्णिया जैसे कुछ इलाकों में दलितों पर हुए घटनाओं का जिक्र करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने ट्वीट किया और कहा कि दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अत्याचार कर रहे हैं, नीतीश कुमार कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। इस तरह का सवाल खड़ा किया था डॉक्टर संजय जायसवाल ने, जिसके बाद जो है ऐसा लग रहा था कि अपनी ही सरकार से वो असंतुष्ट हैं और इसलिए इस तरह का सवाल कर रहे हैं। तो इस तरह की अगर बात कर ले तो जिस तरह से खींचतान की खबरें आ रही हैं एनडीए में, ऐसे में ये लगता है कि सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है बीजेपी, ऐसा कहना है हम प्रवक्ता दानिश रिजवान का। अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरह, जिस तरह से लगातार एनडीए के अंदर बयानबाजी हो रही है, अपने ही पार्टी के जो नेता है एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, ऐसे में सरकार के लिए काफ़ी मुश्किल है, नीतीश कुमार के लिए काफ़ी मुश्किल है सरकार चलाना, क्योंकि अपने सहयोगी ही उनसे संतुष्ट नहीं है, विरोधाभास देखा जा रहा है। सहयोगियों के बीच सब कुछ ठीक करना नीतीश कुमार के लिए शायद मुश्किल लग रहा है, लेकिन वक्त रहते अगर सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो सरकार को अस्थिर होने में भी वक्त नहीं लगेगा।